खरगोन जिले के महेश्वर में शुक्रवार शाम एक अनूठा विवाह देखने को मिला। ये शादी किसी इंसान की नहीं बल्कि गाय और बैल के बीच में पूरी हुई। जी हाँ, महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में पहुंचे बरातियों ने अपने साथ लाए बैल को दूल्हे के रूप में सजाकर बैंड बाजे के साथ उसकी बारात निकाली। यहाँ के लोग भी किसी दूल्हे की बारात की तरह ही सज धज कर डीजे और बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाजते नजर आए। साथ में दूल्हा बने बैल को साथ लिए दुल्हन गाय के घर पहुंचे, जिसके बाद पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के साथ दूल्हे बैल और दुल्हन गाय का गांव वालों ने विवाह को संपन्न कराया। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये विवाह कराने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको बता दें कि इस तरह के विवाह पहले ऋषि मुनि और साधु संत भी कराया करते थे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नंदी भगवान शिव का प्रिय है और इस तरह के आयोजन से भगवान शिव को खुश किया जा सकता है, इसलिए इसे शिव विवाह भी कहते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ तो बैल को बकायदा दूल्हे के रूप में सजाया हुआ है, वहीं किसी विवाह की तरह ही डीजे और बैंड बाजे की धुन पर सभी लोग थिरक रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हजारों की संख्या में बराती बनकर महेश्वर नगर में दुल्हन बनी गाय का विवाह कराने के लिए लोग पहुंचे। गांव वालों ने इस विवाह का नाम शिव विवाह रखा। आपको बताते चलें कि शिव विवाह में दुल्हन को माता नंदिनी, जो महेश्वर निवासी थीं, और दूल्हा बना बैल नंद किशोर देवत गांव शिरपुर महाराष्ट्र से अपनी दुल्हन लेने पहुंचा था। इस शादी में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगभग 2000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।